जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अग्नि क्या होती है और ये कितने तरीके की होती है या कितने क्लास होते हैं इसके, और इन क्लासों को बुझाने के लिए कौन से क्लास को बुझाने के लिए किस चीज़ का यूज करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फायर। फायर कोई भी वस्तु, जैसे कि कोई भी ज्वलनशील वस्तु, जैसे लकड़ी हो गई, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इस तरीके से कोई भी वस्तु जब अपने फायर पॉइंट पर पहुंच जाती है तब क्या होता है, वस्तु जलने लगती है। फायर पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर वस्तु जल जाए वो क्या होता है, फायर पॉइंट होता है। तो आग लगने का जो फायर पॉइंट है वो कितना है, तो फायर पॉइंट आग लगने का कितना होता है, 200 डिग्री फारेनहाइट होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि फायर किस किस फायर पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए, फायर पॉइंट वो होता है जिस टेम्परेचर पर वस्तु, कोई भी ज्वलनशील वस्तु जल जाए तो फायर पॉइंट होती है। तो फायर पॉइंट क्या होता है, 200 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो किसी भी आग को लगने के लिए तीन कारक होते हैं। तो उन कारकों को समझ ले कि हम एक ट्रेंगल का सहायता लेते हैं, जैसे कि ये ट्रेंगल है आपका ये, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन, दूसरा क्या होता है, हीट, और चौथा, तीसरा होता है आपका ईंधन। यानी कि इनमें से कोई एक पॉइंट अगर हम हटा दें, मान लो हमने ऑक्सीजन हटा दिया तो फायर में आग नहीं लगेगी। आपने देखा होगा किसी भी बंद जगह पे जब आप आपने मोमबत्ती को जलाकर, मोमबत्ती जलाई है आप और उसे टेबल पर रख के उसके ऊपर से गिलास रख दी थी, जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन होगी तब तक मोमबत्ती आपकी जलेगी। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद मोमबत्ती आपकी क्या होगी, बुझ जाएगी। तो या फिर आप हीट को हटा दें तब भी आग बुझ जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा जनरली जब आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, बाल्टियों से पानी डालते हैं। बाल्टियों से पानी डालकर क्या करते हैं, हम हीट को कम करते हैं, हीट को कम करते हैं। बाल्टियों से पानी डालकर क्या करते हैं, हीट को कम करते हैं। इसी तरीके से अगर हम ईंधन ही खत्म कर दें, मान लो सपोज करो किसी, मान लो इस मार्कर के अंदर आग लग जाए, अब हम क्या करें, ये पूरा ये इसकी निब जली और इसे खोल के यहाँ से इस तरीके से ये इसका टॉप पॉइंट जल गया। अब इसे हटा के इस तरीके से कर दें, अब यानी कि हमने ईंधन हटा लिया तो ये यही जलेगा, उसके बाद में बिल्कुल आग नहीं जलेगी। तो ये समझ गए आप। तो अब हम इसके क्लास के बारे में देखते हैं, क्लास क्या होते हैं। तो इसके लिए चार कारक होते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और आपका हीट और ईंधन। पूछता है कि फायर लगने के कौन कौन से कारक होते हैं, ऑक्सीजन, ईंधन और हीट, तो ऊष्मा, जिसे हिंदी में ऊष्मा कहते हैं। तो ये तीन कारक होते हैं आग लगने के। अगर इनमें से किसी एक को हटा दिया जाए तब क्या होगा, आग नहीं लगेगी, आपकी आग लगना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, जब आग लगती है तो हम क्या करते हैं, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दें, या हीट की सप्लाई रोक दें, या ईंधन की सप्लाई रोक दें, हमारी आग बुझ जाएगी। तो हम आगे देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन क्या है फायर के, उनके बारे में देखते हैं कि फायर कितने प्रकार की होती है। तो फायर वैसे की पांच प्रकार की होती है। नंबर एक क्या होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के। तो इन चारों के, पांचों के बारे में हम देखेंगे। तो क्लास ए की जो आग होती है तो वो लकड़ी, कोयला या लकड़ी किससे रिलेटेड कोई भी सामान, उनसे जो आग लगती है वो कौन सी आग, कौन से क्लास में आती है, क्लास ए के अंतर्गत आती है। क्लास ए के अंतर्गत कौन सी आती है, लकड़ी, कोयला, कागज वगैरह से लगी हुई आग किसके अंदर आती है, क्लास ए के अंदर। तो उसे बुझाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसमें हम पानी की बौछार करते हैं जिससे कि उसकी हीट कम होती है और क्या होता है, आग बुझ जाती है। अब क्लास बी के अंदर कौन सी आग आती है, क्लास बी के अंदर मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से लगी हुई आग किसके अंदर आती है, क्लास बी के अंदर आती है। इसे बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अग्निशामक यंत्र होता है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर छोड़ते हैं और वो आग बुझ जाती है। जैसा कि आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा कई तो सिलेंडर लटके हुए कार्बन डाइऑक्साइड के, उस तरीके से वो आग बुझाई जाती है। तो क्लास सी के अंतर्गत कौन सी आती है, जो हमारी गैसेस हैं, जैसे सिलेंडर में भरी हुई गैस, जैसे एलपीजी गैस होती है, और उससे लगी हुई जो आग आती है वो किसके अंदर आती है, क्लास सी के अंतर्गत आती है। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने का है, क्लास सी के अंदर जो और आग आती है वो आती है विद्युत प्लग में स्पार्किंग के कारण जो आग लगती है, विद्युत प्लग होता है उसके, इस क्लास सी के अंदर केवल यही वो मेन पॉइंट याद रखने वाला है, बाकी को आप इजीली याद हो जाते हैं चीज़ें, कि क्लास सी के अंदर विद्युत प्लग में जो स्पार्किंग होती है उससे जो अलग ही आग आती है वो क्लास सी के अंतर्गत आती है, ये बात ध्यान रखना। और इसे बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हेलोजन, हेलोजन का यूज करते हैं, हेलोजन यूज करते हैं। उसके बाद हम क्लास डी को देखते हैं, क्लास डी में कौन सी आग आती है, अब क्लास डी में आती है विद्युत उपकरण में लगी हुई आग या विद्युत तारों में लगी हुई आग, वो क्लास डी के अंदर आती है। और क्लास डी के अंतर्गत कौन सी आती है, जो मेटालिक मटेरियल है जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह, इनमें जो आग लगती है वो किसके अंतर्गत आती है, क्लास डी के अंतर्गत आती है। ये क्लास डी समझ गया आप। और इसे बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, सीटीसी का यूज करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सीटीसी की फुल फॉर्म होती है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है सीटीसी की।
तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होती है। उसके बाद जैसे एक चीज को हम यूज करते हैं शुष्क पाउडर का हम यूज करते हैं, कैसे बिजली के उपकरणों में लगी आग और मेटालिक मटेरियल में लगी हुई आग को, बिजली के उपकरण में लगी आग को CTC का और शुष्क पाउडर का यूज क्यों करते हैं। अगर हम झाग वाला पाउडर यूज करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि झाग में क्या होता है पानी होता है, तो पानी क्या कंडक्टिविटी को पकड़ेगा और आपको करंट लग सकता है। जब आप किसी उपकरण पे डालेंगे पानी, हो सकता है उसमें कंडक्टिविटी हो, तो इस ये खतरा रहता है। इसलिए हम किसका करें, शुष्क पाउडर का, जिसको कि जैसे कि आपको करंट नहीं लगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और CTC का यूज करते हैं। और उसके बाद में क्लास के अंतर्गत कौन सी आती है, जो कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट होते हैं उनके अंतर्गत जो लगी हुई आग आती है वो किसके अंतर्गत आती है, क्लास के अंतर्गत। कौन से, जैसे कि आप कहोगे कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट के अंतर्गत जो लगी हुई आग आती है वो किसके अंदर आती है, क्लास के अंदर। तो इसमें कुकिंग ऑयल हो गया, एनिमल फैट हो गया और वेजिटेबल ऑयल हो गया। तो ये चार तीनों जो हैं आपके किसके अंदर आते हैं, कमर्शियल कुकिंग के अंदर आते हैं। इनसे जो आग लगेगी वो आपकी किस कौन सी आग होगी, क्लास के की। तो आई होप ये चारों आप पाँचों आप समझ गए होंगे। तो क्लास ए में लकड़ी से लगी हुई आग और पानी की बुझा से बुझा दो, क्लास बी मिट्टी के तेल या डीजल पेट्रोल से लगी आग कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा दो, क्लास सी गैस LPG से लगी हुई आग कार्बन डाइऑक्साइड और हेलोजन से बुझा दो, और क्लास डी विद्युत प्लग में स्पार्किंग के, ये क्लास सी के अंतर्गत आती है। विद्युत प्लग में स्पार्किंग के कारण जो लगी आग आती है वो क्लास सी के अंदर आती है। क्लास डी के अंदर बिजली के उपकरण में लगी आग और मेटालिक मटेरियल में लगी हुई आग किसके अंतर्गत आती है, क्लास डी के अंदर। इसे CO2 से CTC से शुष्क पाउडर के द्वारा बुझा दिया जाता है। और क्लास के अंदर कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट के अंतर्गत जो लगी आग आती है, कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल से जो आग लगती है वो कौन सी आती है, क्लास के अंदर। आई होप ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।